राज्य की आर्थिक स्थिति पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा, बीजेपी सरकार ने 5 सालों में यूपी की अर्थव्यवस्था को दूसरे नंबर पहुंचाया। पिछले 70 सालों में दूसरे दलों ने नहीं किया कोई काम। 1947 से 2017 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 6वें-7वें स्थान तक चल रही थी और 70 वर्षों में जो काम नहीं हो पाया, मात्र 5 वर्ष में ही उत्तर प्रदेश की इस इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को हम देश के अंदर नंबर 2 स्थान पर लाने में हमें सफलता प्राप्त। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सिराथू में जनसभा को किया संबोधित। माफिया राज को लेकर सपा बसपा पर सारा निशाना। कहा, माफिया शासन इनकी यूएसपी है। अखिलेश यादव ने आतंकवादियों के मुकदमे लिए वापस। एक तरफ वो लोग हैं जो दूसरों के घर पर बुरी नजर रख रहे हैं, बोलो उनके जमाने में माफिया राज था कि नहीं था, बोलो उनके जमाने में जमीनों पर कब्जा होता था कि नहीं होता था, अपहरण उद्योग धंधा था कि नहीं था, ये उनका यूएसपी है, ये उनकी क्वालिटी है, ये है सपा का काम, ये है बसपा का काम। गृह मंत्री अमित शाह ने जनता को किया संबोधित। रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी को दी चेतावनी। कहा, अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में आई तो जयंत को कर दिया जाएगा साइडलाइन, आजम खान ले लेंगे उनकी जगह। मगर सपा की सरकार बन गई तो दूसरे दिन जयंत बाबू चले जाएंगे और आजम खान जेल से निकल कर वहाँ बैठ जाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रायपुर में अमर जवान ज्योति की रखी आधारशिला। रैली को भी किया संबोधित। कहा, बीजेपी देश को 2 नए राष्ट्रों में बांट रही है, भारत का गरीब डरा हुआ है। बीजेपी आज एक देश को 2 देशों में बांट रहा है, 2 नए देश बनाए जा रहे हैं। एक देश चुने हुए अरबपतियों का और दूसरा देश हमारे प्यारे देशवासियों का, करोड़ों लोगों का देश, एक अमीर देश 100-200-500 लोगों का और एक गरीब देश हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों का। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने सिकंदराबाद में घर घर जाकर किया प्रचार। जनता से मुलाकात कर कांग्रेस के पक्ष में की वोट देने की अपील। 10 फरवरी से 7 चरणों में है मतदान। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने की अंबेडकरवादियों से समाजवादी पार्टी में शामिल होने की अपील। कहा, सत्य का लक्ष्य संविधान और लोकतंत्र को बचाना है, अंबेडकरवादियों से अपील है कि वो सपा में हो शामिल। मैंने तो कहा है कि समाजवादियों के साथ अंबेडकरवादी भी साथ आए, क्योंकि संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है। अगर लोकतंत्र और संविधान नहीं बचेगा तो सोचो हमारे अधिकारों का क्या होगा। और ये एक बार अपील नहीं की, मुझे अच्छा हुआ कि आपने याद दिला दिया। मैं फिर अपील करता हूँ कि हम सब लोग बहुरंगी लोग हैं, लाल रंग हमारे साथ, हरा रंग साथ, सफ़ेद, नीला, तो हम चाहते हैं कि अंबेडकरवादी भी साथ आएं और इस लड़ाई को और मजबूत करें। राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी ने बुलंदशहर में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य और शिक्षा के मुद्दे पर लड़ रहे हैं चुनाव, बीजेपी सरकार है किसान विरोधी। इस चुनाव का मुद्दा साफ है, नौजवानों को नौकरी दिलानी है, स्वास्थ्य, शिक्षा, जमीनी मुद्दे हैं उनको लेकर हम लोग चल रहे हैं साथ, किसानों को फैसला करना है और नौजवानों को फैसला करना है। ये वो सरकार है जिसने कीले बिछाई, अवरोधक बनकर काम किया, ये वो सरकार है जो चुनाव के इतने बिल्कुल पूर्व संध्या पे भी जब बजट लाती है किसानों के लिए कुछ नहीं। केंद्रीय बजट में आपने देखा होगा, अवलोकन किया होगा, मध्यम वर्ग गरीब किसान के लिए इस पूरे बजट में कुछ नहीं, 34% तो नरेगा का बजट काट दिया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कौशाम्बी जिले की सिराथू सीट से दाखिल किया अपना नामांकन। जेपी नड्डा समेत कई नेताओं ने दी बधाई। 10 मार्च से 7 चरणों में होना है मतदान। झांसी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। दवा व्यापारी विनय नायक को पुलिस ने रिवॉल्वर और कारतूस समेत किया गिरफ्तार। दवा व्यापारी ने मामूली विवाद में लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारकर की थी हत्या। बिहार के लखीसराय में पुलिस की नक्सलियों से हुई मुठभेड़। गोलीबारी में 2 नक्सलियों को किया गया ढेर। नक्सलियों से 1 राइफल, 1 पिस्तौल, बम और गोला बारूद बरामद।
इसी के साथ इस वक्त की टॉप 10 खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया पब्लिक खबर के साथ।